आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर आप कह सकते हैं HPSSC हमीरपुर की तरफ से जो है एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है। तो कौन कौन सी रिक्रूटमेंट इसमें निकली है, यानी कि कौन कौन सी पोस्टों के ऊपर आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, फीस क्या रहेगी, आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, सभी कुछ जो है हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप पहले ही वीडियो देख चुके हैं, आपको पता है, कहीं और पे आपने देख लिया, आपको पता लग चुका है इसके बारे में, तो आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो अगर आपने प्लस टू की है, आपने ग्रेजुएशन की है, आपने ITI की है, आपने नर्सिंग का कुछ भी किया है, ठीक है, तो सभी के लिए जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ पोस्टें निकली है, तो एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद जो है आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक दे दूंगा फॉर्म इसका नोटिफिकेशन का, तो आप इसको डाउनलोड करके अगर कुछ बच जाता है, क्योंकि हम सभी जो है पोस्टों के बारे में बात नहीं करेंगे, बता दूंगा मैं आपको कि कौन कौन सी निकली है, बट उसकी डिटेल जो है मेन में जो मुझे लगेगा कि आप लोग भर सकते हो उसके बारे में भी हम जो है यहाँ पर बात करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करके जो है इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, बट पहले जो है अच्छे से सुन लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आपको कौन सी वेबसाइट से जो है अप्लाई करना है, तो HPSSB मतलब सिंपल सी है, HPSSC आप गूगल में टाइप करोगे, वहां पर जाकर जो है आपको ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। आपका जो फॉर्म है वो आप 31/12/2019 से भर सकते हो, यानी कि आज से जो है आप फॉर्म को भर सकते हो, और जितनी जल्दी आप भरोगे, ठीक है, या फिर आप नए साल पर भर लीजिएगा, हो सकता है आपका नया साल जो है आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आए और मैक्सिमम जो है स्टूडेंट इसमें सिलेक्शन हो, मैं यही आशा करूंगा। तो 31/12/2019 से आप भर सकते हो और 30/1/2020 तक जो है इसकी लास्ट डेट आपके पास रहेगी, यानी कि आपके पास पूरा मंथ रहेगा इस पूरे फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। और वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, ठीक है, और कोई भी ये जो फॉर्म होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, कोई भी आपकी जो है ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये चीजें आपको कॉमनली पता होगी क्योंकि आप पहले से ही फॉर्म को भरते आए हो। तो बहुत सारी पोस्टें अभी निकल गई हैं, ठीक है, और जनवरी में भी दोबारा से रिक्रूटमेंट का जो है नोटिफिकेशन HPSSC की तरफ से आ सकता है। एज की अगर बात करें तो 18 से 45 साल की जो है वो एज रहेगी, ठीक है, यानी कि अगर आप 18 साल के हो या फिर आप 45 साल के, तो आप इनके बीच में अगर आते हो या इन दोनों एज के आप हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो नए यूजर हैं उन्होंने सिंपल सा क्या है, पहले उनको ID बनानी पड़ेगी, पासवर्ड अपना जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप नए यूजर ID और पासवर्ड बनाते हो तो उसको जरूर नोट डाउन ऐसी जगह पर कीजिए जहां पर जो है आप उसको भूल लेना, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देते हो वो ऐसा दीजिए जिसका आपको पता है कि आप मोबाइल नंबर बंद नहीं करोगे या फिर ऐसी ईमेल आईडी जो आपकी बंद नहीं होगी। कई बार क्या होता है आप ईमेल का पासवर्ड भी भूल जाते हो, साथ ही साथ यूजर नेम और आईडी भी भूल जाते हो, तो यूजर नेम और आईडी आपके पासवर्ड ईमेल पे भी सेंड हो जाती है। अगर आप भूल जाते हो तो पासवर्ड तो वहां से जाकर आप देख सकते हो, बट अगर आप ईमेल का ही पासवर्ड भूल गए तो फिर और ज्यादा दिक्कत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे मोबाइल और ईमेल आईडी दें आपकी जो आपकी कंपनी जो आप वर्किंग में हो, जिनका आप डेली का जिस पे आप वर्क करते हो, ठीक है। तो ये चीज है, आपको जो फॉर्म है वो ध्यान से भरना है ताकि बाद में आपकी रिजेक्शन लिस्ट में जो है नाम ना आए। दूसरी बात क्या है कि आपकी जो है वो पोस्टेड डिक्रीज और इंक्रीज हो सकती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको जो है वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है आपको बता दिया जाएगा। तो ये बेसिक सी चीजें यहाँ पर लिखी गई है, और अगर आप और कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप खुद से डाउनलोड करके जो है इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। सिंपल सा है कि अगर आपने अगर 10वीं और जो होता है प्लस टू वो अगर हिमाचल प्रदेश से की है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये जो बोनाफाइड हिमाचली जो है वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है जिनके पास बोनाफाइड हिमाचली है, बट अगर आप कहीं और से और अगर आपने प्लस टू और 10th हिमाचल प्रदेश से की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहां पर लिखा गया, अब बात करते हैं पोस्टों की, ठीक है। पोस्टें कौन कौन सी है उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में स्टाफ नर्स की, ठीक है। तो स्टाफ नर्स की बहुत ज्यादा पोस्टें निकली है, यहां पर देख सकते हैं आप 349, ठीक है। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में है पहले, इसमें आपकी टोटल जो है 307 पोस्ट है, जनरल की 102 है, फिर जनरल आगे आपके और भी डिवाइड किए गए हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, क्योंकि अगर मैं पूरी एक एक आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपका टाइम जो है ज्यादा कंज्यूम होगा। तो जनरल की इसमें ये है 102 है, बाकी आप यहां पर देख सकते हैं। SC की जो है आपकी 50 पोस्टें हैं, फिर आगे SC BPL की, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की, फिर ST की यहां पर 10 पोस्ट है, ठीक है। फिर आगे BPL की भी है, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की, OBC की जो है यहां पर 39 पोस्ट है, ठीक है। मैंने आपको जनरल बता दी कि जनरल की जो है 102 है, फिर SC UR की आपके पास 50 है,
STUR की आपके पास 10 है और OBCUR की 39 है, और बाकी भी दी गई है जो आप एक्स सर्विस मैन होते हैं, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर होता है, ठीक है, सभी की जो है यहाँ पर दी गई। और ये कोड आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि आगे जब मैं आपको एग्जाम पैटर्न या फिर क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो अकॉर्डिंग टू कोड बताऊंगा, तो आप जिसके भी लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो उसका कोड जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है आपकी सारी 307 पोस्टें, और सभी के लिए, चाहे आप जनरल हैं, आप एससी हैं, या फिर आप एसटी हैं, या फिर आप ओबीसी हैं, सभी के लिए पोस्टें इस पे दी गई है। सेकंड जो आता है डिपार्टमेंट वो आता है मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसमें जनरल की 13 है, ठीक है। उसके बाद आपकी एससी की जो है वो 5 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर एसटी की जो है यहाँ पर आपकी 2 है, और ओबीसी की जो है यहाँ पर 7 पोस्ट है, ठीक है। तो ये आपकी सभी की, इसमें भी सभी के बारे में दिया गया है, यानी कि जनरल, एससी, एसटी और ओबीसी। तो टोटल जो है 307 प्लस 42 ये आपकी पोस्ट है, 349 स्टाफ नर्स की, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आता है, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट का है। इसमें कोड याद रखिएगा अगर आप इसके लिए अप्लाई करो तो। इसमें टोटल 8 पोस्ट है, इसमें आप देख सकते हैं जनरल की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की आपके पास 2 है, और ओबीसी की यहाँ पर 1 है, एसटी की कोई भी पोस्ट नहीं। यहाँ पर साथ साथ आप जो है वो पे स्केल भी देख सकते हैं, इसके बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा, ठीक है, वो आप खुद देख लीजिएगा। फिर आता है आपका जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, ठीक है। तो ये अब जो है आपका टोटल 10 पोस्ट है इसकी, ठीक है। तो जनरल की आपके पास 5, एससी की जो है वो 2, ठीक है, और फिर आपकी जो है वो एसटी की 1, और ओबीसी की जो है आपके पास 2 है। उसके बाद आपकी मेडिकल एजुकेशन में 1 पोस्ट है, ठीक है, जनरल की। आयुर्वेदा में आपके पास लेबोरेटरी में टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास फोरेंसिक सर्विसेज में लेबोरेटरी असिस्टेंट की, ओबीसी की जो है 1 पोस्ट है, ऊपर जनरल की थी यहां पर 1 है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसमें टोटल 11 पोस्ट है, तो जनरल की इसमें 7 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 2 है, और ओबीसी की जो है वो 1 है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की है, जनरल की इसमें 3 पोस्ट है, एससी की 1 है, और ओबीसी की 1 है, टोटल आपके पास 5 पोस्ट है। थोड़ी बहुत पोस्टें हैं, एक एक दो दो करके दी गई है। फिर आता है स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट की यहाँ पर जो है 31 पोस्ट है, ठीक है। आईपीएच और एचपीपीईआरसी में जो है 2 डिपार्टमेंटों में है, तो एक में 30 है और एक में 1 ही है। तो एक में जो एचपीपीईआरसी है उसमें आपकी 1 पोस्ट है जनरल की, और दूसरा जो आईपीएच में जो स्टेनोटाइपिस्ट की निकली उसमें जनरल की 11 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, ठीक है। उसके बाद जनरल जो आपका फ्रीडम फाइटर का 1 है, एससी की 7 है, फिर एससी बीपीएल की 1 है, ओबीसी की जो है वो 5 है, और ओबीसी बीपीएल की 1 है, तो एसटी की यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है, ठीक है। तो उन्हीं पोस्टों के लिए आपको अप्लाई करना है, जिनमें मतलब किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, पर मुझे पता है कि मैक्सिमम उसी के लिए अप्लाई करेंगे जिसमें पोस्ट जा रहा है, जैसे कि आईपीएच हो गया आपका, और अगर आप इसकी क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो। स्टोर कीपर्स की है, फिर इसमें टोटल 9 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, ओबीसी की 1 है, और फिर आपके एससी की 1 है, और एससी बीपीएल की भी 1 है, ठीक है। मार्केटिंग असिस्टेंट में जनरल की 2 पोस्टें निकली हैं, टोटल 2 ही हैं। और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सुपरवाइजर, ठीक है, ये पोस्टें बहुत टाइम बाद आई हैं, क्योंकि बहुत पहले आई थी ये, अप्रोक्स 3 से 4 साल पहले, अगर मुझे थोड़ा बहुत एग्जैक्टली याद है। तो टोटल इसमें 41 पोस्टें निकली है, और एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है ये। तो जनरल की इसमें 23 है, एससी की आपकी 8 है, ओबीसी की 7 है, और एसटी की जो है 3 है, ठीक है। सभी कैटेगरी के हैं इसमें इंक्लूड किया गया है, और 758 जो है इसका पोस्ट कोड है, ठीक है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है जूनियर ऑडिटर, 13 पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस मतलब किस किस कैटेगरी की कितनी कितनी पोस्ट है, ठीक है। पंचायती राज में जो है ऑडिटर की है, तो इसमें आपके पास टोटल 5 पोस्ट है, जनरल, एससी और ओबीसी की, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर पंचायती राज में कंप्यूटर प्रोग्रामर की है, जनरल की ही है, 3 पोस्ट है, टोटल 3 ही है, ठीक है। फिर आती है आपकी एचआरटीसी में, एचआरटीसी में कंडक्टर की जो है वो आपकी 568 पोस्टें हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी कंडक्टर वगैरह में जाना चाहते हैं। तो जनरल की इसमें 223 है, ईडब्ल्यूएस की 68 है, ठीक है, और फिर आपकी एससी की जो है 110 है, फिर एससी बीपीएल की है, फिर एससी बॉर्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की है, ये आप देख लीजिए। एसटी की जो है 19 है, और ओबीसी की जो है वो 85 है, ठीक है। तो हर सेक्शन की मतलब हर कैटेगरी की इसमें जो है आपको पोस्टें दी गई है, और अच्छी खासी पोस्टें दी गई है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है क्लर्क आपका वेरियस डिपार्टमेंट में, तो डीसी सोलन में 3 पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस की है। अर्बन डेवलपमेंट में आपकी 1 ही पोस्ट है, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर में आपकी टोटल 5 पोस्ट है, यानी कि टोटल आपकी 9 पोस्ट है, ठीक है। तो मतलब क्लर्क से ज्यादा तो एचआरटीसी की पोस्ट निकली है, ठीक है, हो सकता है कि बाद में आपको दोबारा क्लर्क की पोस्ट देखने को मिले, क्योंकि 700 क्लर्क की पोस्टें जो है और भरी जानी है, ठीक है। फिर आपका जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, 3 पोस्ट टोटल है, देख सकते हैं आप कहां कहां पर है। जूनियर इंजीनियर सिविल की जो है वो आपकी 3 पोस्ट निकली है, और फील्ड असिस्टेंट की 1 पोस्ट निकली है, और आपके पास अकाउंट क्लर्क की जो है आपके पास टोटल 13 पोस्ट निकली। अब ये अकाउंट क्लर्क जो है वो दूसरे क्लर्क से अलग है, उसकी क्वालिफिकेशन में इसकी क्वालिफिकेशन में अंतर है, क्योंकि इसकी क्वालिफिकेशन में जो है आपको बीकॉम चाहिए होता है, ठीक है,
तो इसमें जनरल की 8 पोस्ट है, ईबीएस की 1 है, एससी की 2 है और ओबीसी की जो है आपके पास 2 पोस्ट है। तो ये हो गया। सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर, चीफ इंस्ट्रक्टर, इसमें जो है आपकी जो होमगार्ड और सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट होता है, इसमें टोटल 3 पोस्ट है, एक ईडब्ल्यूएस की है और एक आपकी 2 है एससी की। फिर आपका सीनियर टेक्नीशियन मिल्कफेड में जनरल की 1 पोस्ट है, फिर मिल्कफेड में ही टेक्नीशियन आपकी जो है वो जनरल की 2 पोस्ट है, एससी की 1 है और ओबीसी की जो है 1 है, टोटल 4 पोस्ट है। और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल दोबारा से जो है मिल्कफेड में ही 4 पोस्ट है, इसी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 25 पोस्ट है जो आपकी निकली है। अगर मैं थोड़ा ओवरव्यू की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो एक तो आपकी एचआरटीसी में कंडक्टर में है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आप वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, क्लर्क के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, साथ ही साथ आप जो है जो बाकी लेबोरेटरी असिस्टेंट वगैरह अप्लाई करना चाहो वो कर सकते हो, और जो स्टाफ नर्स जो क्वालिफिकेशन के अंडर आता है, ठीक है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 349 पोस्ट है जो टोटल है। ठीक है, अब चलते हैं नीचे की तरफ, देख लेते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। मुझे पता है कि वीडियो ज्यादा लंबी होगी, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टाफ नर्स की। तो स्टाफ नर्स का जो है वो 10th आपकी जो है प्लस 2 होनी चाहिए, ठीक है, साइंस के साथ किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ठीक है, और साथ ही साथ आपने डिप्लोमा इन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो अगर आपने बीएससी की है, आपने जीएनएम में डिप्लोमा किया है, ठीक है, ए ग्रेड नर्स, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और करेंगे भी बहुत सारे, सभी को पता होगा। फिर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी डिस्कस करूंगा तो आप समझ सकते हो कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो एक बार वीडियो को पॉज करके या फिर डाउनलोड करके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मेन मेन मैं आपको बता देता हूं जिसका मुझे लगता है कि सभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपको पता है बीएससी नॉन मेडिकल विद 6 वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, जिसका जो था 752 कोड था। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बैचलर डिग्री आपको चाहिए, ठीक है, साथ में आपको कंप्यूटर डिप्लोमा भी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की, अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए कोई अप्लाई करेगा तो उसके लिए जो है पास चाहिए आपको मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। ठीक है, और आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की मतलब ट्रेड में। ठीक है, तो ये चीज आपको होनी चाहिए, ये आप पहले देख लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं स्टोर कीपर्स की, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल सा है जो यहाँ पर प्लस 2 मांगी गई है। अगर आप स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी अगर कोई अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया है और इसके लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो इसके लिए भी कर सकता है। मार्केटिंग के लिए आपको पता है एमबीए वगैरह अच्छी होती है सुपरवाइजर के लिए। ठीक है, तो सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर साफ मांगा गया है, तो ये उनके लिए है जिन्होंने जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है, बालवाड़ी वर्कर्स है, ठीक है, या फिर आपके प्रिंसिपल लेडी सोशल इंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो ये शायद से उनके लिए है। ठीक है, तो आप लोग और उन्होंने साथ में मेट्रिकुलेशन भी की है, तो ये उनके लिए दिया गया है। और आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये सभी के लिए देना चाहिए था इनको, तो इसको तो आप आई थिंक कोई भी नहीं भर पाएगा। सेकेंड जो है वो आपका ऑडिटर वगैरह का यहाँ पर दिया गया है, उसके आप देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर आपने सेकेंड क्लास ग्रेजुएट हो किसी भी यूनिवर्सिटी से तो आप ऑडिटर पंचायत का जो है वो भर सकते हैं, ऑडिटर का। ठीक है, उसके बाद अगर आपने प्लस 2 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की है तो आप कंडक्टर का भर सकते हो। ठीक है, कंडक्टर की भी सिंपल सा है कि आपके पास कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए एक तो, ठीक है, वैलिड कंडक्टर्स लाइसेंस, और आपके पास प्लस 2 होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, तो आप कंडक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लर्क के लिए आपके पास प्लस 2 होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपका कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से जूनियर स्केल है, जूनियर इंजीनियर के लिए आपको यहाँ पर साफ बताया गया। फील्ड असिस्टेंट के लिए अगर आपने बीकॉम किया तो आप फील्ड असिस्टेंट का भर सकते हैं। अकाउंट क्लर्क के लिए, ठीक है, जो अकाउंट क्लर्क था उसमें आपको बीकॉम चाहिए फर्स्ट डिवीजन में, फिर आपको टैली का डिप्लोमा भी चाहिए, ठीक है, उसके साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो ये चीजें आपको होंगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टेक्नीशियन वाली जो है, ठीक है, उसके लिए आईटीआई का सर्टिफिकेट है। अगर आपके रेफ्रिजरेशन में है तो आप रेफ्रिजरेशन वाले के लिए भर सकते हो। इलेक्ट्रिकल में अगर आपने आईटीआई किया तो आप टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज देख लीजिएगा एक बार, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है। ठीक है, तो आपका 85 मार्क्स का जो है रिटर्न होगा, 170 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। आपको पता ही है जो हमीरपुर वालों का पैटर्न होता है, एक क्वेश्चन जो है वो आधे मार्क्स का होता है, तो ये चीज आएगा आपके पास 85 नंबर का, और एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 घंटे की जो है आपके पास टाइमिंग होगी। ये सभी एग्जाम में जितने भी ऊपर एग्जाम है 25 यही फॉलो होगा पैटर्न। ठीक है, तो 747 से 754 और 757 से 759, 761, 65, 66,
69 और 771 इनके लिए जो है वो आपके पास जो है एक तो 120 क्वेश्चन आएंगे आपके पास सब्जेक्ट से रिलेटेड और 50 क्वेश्चन जो आएंगे आपके पास वो जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर एवरीडे साइंस लॉजिकल साइंस से रिलेटेड जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी मैट्रिक स्टैंडर्ड ठीक है। तो ये पैटर्न जो है वो फॉलो होगा। बाकी कोई भी कोड है आप यहाँ पर देख सकते हैं उस कोड से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है कि कौन कौन सी जो है वो किस किस तरह की जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी के कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिया गया है। उसके बाद क्या है कि आपके जब आप रिटर्न क्लियर कर लोगे तो उसके बाद 15 नंबर की इवैल्यूएशन होगी ठीक है। इवैल्यूएशन किस बेस पर दी जाएगी तो क्वालिफिकेशन के बेस पर जो है आपको 2.5 मार्क्स दिए जाते हैं। बैकवर्ड एरिया से आप एक मार्क्स उससे दिया जाता है लैंडलेस फैमिली है एक मार्क्स उसका दिया जाएगा। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है एक मार्क्स उसका दिया जाएगा। 40% डिसेबिलिटी है तो आप 1% एक मार्क्स उसका दिया जाएगा। एनएसएस या एनसीसी सर्टिफिकेट है आपके पास तो एक मार्क्स उसका दिया जाएगा। बीपीएल फैमिली है ठीक है एनुअल इनकम अगर 40,000 से कम है तो 2 मार्क्स उसके दिए जाएंगे। उसके सबके आपके पास जो है डॉक्यूमेंट होने चाहिए विडो डाइवर्सिटी सिंगल वूमेन एक मार्क्स उसका सिंगल डॉटर ऑर्फन एक मार्क्स उसका और ट्रेनिंग करी आपने किसी भी इंस्टीट्यूट में तो एक मार्क्स उसका और अगर आपने 5 साल किसी भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने काम किया है तो 2.5 आपको उसके मिलेंगे ठीक है। तो इस तरह से आपके मार्क्स जो है बाद में डिवाइड होंगे अगर आप रिटर्न क्लियर कर लेते तो ये चीज थी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर बात करें फॉर्म फीस की तो जनरल कैटेगरी 360 आपको पता ही है जनरल ऑफ आईआरडीपी फिजिकली हैंडीकैप वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन 120 ठीक है। एससी ऑफ एचपी एससी ऑफ एसटी ऑफ एचपी जो भी आते हैं ठीक है वो 120 और एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी कोई भी फीस नहीं है ठीक है। और एक न्यूज आई थिंक आपने सुनी होगी उसके ऊपर मैंने वीडियो तो बनाई नहीं है कि नए साल से जो है वो आपकी फीस जो है एचपीएसएससी की और एचपीपीएससी की नहीं ली जाएगी। तो एक बार जो है नए साल पर ही ट्राई करिएगा फॉर्म भरने का। तो ये पूरी नोटिफिकेशन थी आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी पढ़ना है ठीक है तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जो है वो एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा उसके बाद जो है आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। तो मेरा काम था आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।